अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली हसीम का हेयर सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ़ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक खास किस्म के फ्रूट को सिलेक्ट किया है, और दोस्तों एक ट्रॉपिकल एक्जॉटिक फ्रूट के अंदर आता है। और दोस्तों आज मैं हम लोगों को कैप गूसबेरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों जो कैप गूसबेरी है बेसिकली आंवला की एक किस्म है, और दोस्तों पके हुए हालत के अंदर ये नारंगी कलर से कदरे ब्राउन कलर का फ्रूट होता है, और इसके ऊपर एक खोल होता है, खोल को हटा के इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है फाइसालिस पेरोविना बोला जाता है, इसके अलावा पेरोवियन ग्राउंड चेरी भी इसे बोला जाता है। दोस्तों इसका जो मशहूर आम फेम नाम है दोस्तों इसे गोल्डन बेरी भी बोला जाता है। और दोस्तों बेसिकली ये नेटिव तौर पर साउथ अमेरिका का फ्रूट है, स्पेशली पेरू के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा उगता है। दोस्तों इसका जो फल राइप हो जाता है तो इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों जायके के अंदर ट्रॉपिकल टेस्ट लिए हुए होते हैं, कदरे मीठा होता है। और दोस्तों इसे रा फॉर्म के अंदर भी खाया जा सकता है, इसके अलावा इसे कुक करके भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे जैम जेली वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे जूसेस बनाए जाते हैं, इसे आइसक्रीम बनाई जाती है। और दोस्तों इसे बेक्ड स्वीट आइटम्स के अंदर और सेवरी आइटम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी नमकीन डिशेज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे पिकल्स बनाए जाते हैं, चटनी वगैरह बनाई जाती है। चले दोस्तों ये तो थे केप गूसबेरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूजेस, अब आ जाते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। और दोस्तों गोल्डन बेरी या केप गूसबेरी के अंदर अच्छी मकदार के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, मामूली मकदार में फैट्स पाए जाते हैं, इसके अलावा प्रोटीन से भी ये भरपूर है, विटामिन ए पाया जाता है इसके अंदर, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं केप गूसबेरी के हेल्थ पॉइंट के हवाले से भी। और दोस्तों केप गूसबेरी को अगर अपनी खुराक के अंदर शामिल करते हैं तो ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, सांस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियों से दूर करती है, आंखों में चमक लेकर आती है, आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों इसके अलावा मूड को अच्छा करती है, डिप्रेशन को दूर करती है, ब्लड प्रेशर को सत्ता पर लेकर आती है। और दोस्तों स्पेशली ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन है जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें ब्लड शुगर है। दोस्तों ब्लड शुगर को सत्ता पर लेकर आती है, और इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से डायबिटीज के मरीज शुगर से निजात हासिल कर लेते हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद के लिए भी ये बेहतरीन है जो अपना नेचुरली तौर पर वजन कम करना चाहते हैं। दोस्तों क्योंकि इसके अंदर मॉडरेट स्वीटनेस पाई जाती है, और दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर ही उनके वजन के अंदर काफ़ी नुमाया फ़र्क आएगा। और दोस्तों खाने के साथ इसे खाने से खाना हजम होता है, जिसमें इसे सोजिश को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, दिल की तमाम बीमारी को दूर करती है। इसी तरह जिगर के हवाले से भी ये बेहतरीन है, फैटी लीवर को दूर करती है। ऐसे अफराद जिन्हें आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर गोल्डन बेरी या केप गूसबेरी को शामिल करें तो चंद दिन के इस्तेमाल के बाद उनका कुव्वत मुदाफ़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनके ऊपर ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस अटैक नहीं करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा ये बालों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, और जिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। दोस्तों जिसमें फ्रेश खून पैदा करके गालों के ऊपर लाली लेकर आता है, दोस्तों ऑलमोस्ट ये सुपर फ्रूट के अंदर आता है। इस वजह से अपनी खुराक के अंदर केप गूसबेरी को लाजमी शामिल करें। और दोस्तों ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको बड़ी फ्रूट मंडियों से आसानी के साथ मिल जाएगा, इम्पोर्ट फार्म में आता है ये। और दोस्तों अगर आप सेंट्रल अमेरिका का या साउथ अमेरिका का विजिट करें, स्पेशली पेरू, वेनेजुएला वगैरह का विजिट करें, तो वहाँ पे आपने इस फ्रूट को लाजमी इंजॉय करना है। दोस्तों ये मार्केट से आपको टिन फार्म के अंदर भी मिल जाता है। चले दोस्तों ये तो थे केप गूसबेरी यानी गोल्डन बेरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों ये जब फल दख के ऊपर उगता है तो सब्ज़ कलर का होता है, ऐसा ऐसा पकने के बाद गोल्डन ब्राउन नारंगी हो जाता है, तो आप इसे जब भी ये अच्छे तरीके के साथ पक जाए तब ही इसे इस्तेमाल करें। और दोस्तों अदरवाइज कच्चा खाने से ये जहरीले असरात रखता है, जहरीला खाने से जिस्म के अंदर कड़लें पड़ती है, मसल स्पेम होता है, शदीद किस्म का डायरिया होता है। और दोस्तों जब ये केप गूसबेरी कच्ची होती है तो इसके अंदर 16 लाइन केमिकल्स कंपाउंड पाया जाता है जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो इस वजह से जब भी आप मार्केट से केप गूसबेरी लेकर आएँ यानी गोल्डन बेरी लेकर आएँ तो इसे अच्छी क्वालिटी का आप इसे ख़रीदें, फुल राइप जो है इसे इस्तेमाल करें। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये केप गूसबेरी या गोल्डन बेरी, पेरोवियन क्राउन चेरी के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, इसके डेली यूजेस बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मजीद अगर आपका कोई सवाल है
केप गूसबेरी यानी गोल्डन बेरी के बारे में, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर अप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा भी आप किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुस्लिम, खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, और दोस्तों या कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, कि बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, और दोस्तों ये किसी रेसिपी के हवाले से पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर अप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमती वीडियोस बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जौली अज़ीम को इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।